ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन संन्यास वृंद, भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, मंच पर एक से एक विलक्षण प्रतिभा धर्माचार्य विद्वान महापुरुष बैठे हैं। संबोधन में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं सबको हृदय की गहराई से प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए जितने भी कार्यकर्ताओं ने स्वामी संपूर्णानंद जी के साथ लग करके जिन भी महापुरुषों ने इस भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, सर्वप्रथम मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सभी यहां बहुत ही विद्वान धर्माचार्य यहां उपस्थित हैं, वो आपके जीवन में बहुत अच्छा शुभ हो इसके लिए आपको मार्गदर्शन करेंगे, उसका जीवन में आचरण करके आप आगे बढ़ें। खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। जो आप सुने उसको जीवन में धारण करें, इसलिए आप यहां से बहुत कुछ लेकर के जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और स्वामी संपूर्णानंद जी का, ऋषि दयानंद के संस्कारों का, उनकी शिक्षाओं का जो बीजारोपण आपके अंदर होगा, उसके लिए आप इस समय एक बहुत ही उपयुक्त और सुंदर वातावरण में आप उपस्थित हैं। तो मैं अधिक ने कहते हुए, मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान महापुरुष यहाँ हैं, उनका ज्ञान और उनके ध्यान का जो लाभ है आप लें। अनेकों धर्मों के धर्माचार्य यहाँ उपस्थित हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को ये ज्ञानी लोग, विद्वान लोग अनेकों प्रकार से कहते हैं। बात एक ही है, गंतव्य एक है। वसुधैव कुटुंबकम की बात जो इमाम साहब कह रहे थे, बस ये जीवन के आचरण में आ जाए, मेरा यही आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है। आप इसको जिए और इसी तरह से रहें। ये सारा विश्व, ये कुटुंब हमारा एक है। इन्हीं भावना और इन्हीं विचार के साथ हम अपने जीवन को उन्नत करें। ओम शम, ओम शांति। महर्षि दयानंद की जय हो।